अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर आयुष विभाग द्वारा योग से निरोग कार्यक्रम के माध्यम से योग शास्त्र का आयोजन 21 जून सुबह 6:30 बजे टहरका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र टहरका में पदस्थ डॉक्टर जितेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर परिसर में तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें टहरका समेत आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। आइए आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर जितेंद्र यादव का। टहरका से SRB पर रफत जाफरी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, कल योगा होने वाला है, तो क्या है पूरा मामला? क्या कल जो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी, इस उपलक्ष्य में सभी प्रकार की योगों के द्वारा रोगों का निराकरण किस प्रकार किया जाना है जी, योग से कैसे निरोग रहें, अच्छा, जिनसे अपने शरीर की एवं बीमारियों के द्वारा दूर किया जा सके, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें सभी प्रकार के शासकीय संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। जिस प्रकार से सभी रोग जो अपने शरीर में मानसिक शारीरिक जो रोग हो जाते हैं, उनसे रोगों को हटाने के लिए योग के माध्यम से शरीर की आंतरिक शुद्धि एवं बाह्य शुद्धि का बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। योग हमारे जीवन में हर दिन हर समय करना चाहिए। थोड़ा सा समय और थोड़ी सी परेशानियाँ जो आती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक योग किया जाए तो शारीरिक मानसिक इन सभी बीमारियों से उसमें मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के कामों में सभी प्रकार के लक्षणों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो योग के द्वारा ठीक की जा सकती हैं। कल कराया जाए और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिस प्रकार सभी लोग आमंत्रित हैं, जिनको जिनको आना चाहते हैं वो सभी समस्त लोग अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टहरका में जी आ सकते हैं और सभी लोग आने की कष्ट करें, जिससे हम योग का अच्छे से अच्छे कर सकते हैं।